नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो UPBCL के एग्ज़ाम में और जितने भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में उसमें आपकी मदद करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अभी जो UPBCL के जितने भी पेपर हुए थे उन सबका कंप्यूटर का सारी शिफ्ट के पेपर का वीडियो एक एक बना देंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए सर्च इंजन, पूछा गया है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। नंबर वन मोजिला, नंबर टू याहू सर्च, नंबर तीन बिंग, नंबर चार गूगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन मोजिला, क्योंकि मोजिला एक वेब ब्राउज़र है ना कि सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नंबर वन लैंग्वेज प्रोसेसर, नंबर दो यूटिलिटीज़, नंबर तीन पैकेजेस, नंबर चार कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन लैंग्वेज प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, पूछा गया इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है। नंबर वन फ्लैश ड्राइव, नंबर दो DVD, नंबर तीन कोडर, नंबर चार हार्ड ड्राइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री कोडर, क्योंकि फ्लैश ड्राइव और DVD हार्ड ड्राइव ये सब एक कंप्यूटर की मेमोरी हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन नहीं है। नंबर वन Groove IP, नंबर दो JioChat, नंबर तीन IMO, नंबर चार गूगल डुओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन Groove IP। Groove IP एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन नहीं है, बाकी सब एक वीडियो कॉलिंग और चैटिंग एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्रेशन टूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्रेशन टूल नहीं है। नंबर वन PZIP, नंबर दो WinRAR, नंबर तीन 7-Zip, नंबर चार Archiver। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर Archiver। Archiver एक कंप्रेशन टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर वन लिनक्स, ऑप्शन नंबर टू बॉस लिनक्स, ऑप्शन नंबर थ्री विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर फोर सोलारिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ दिस इज़ ए .FLV प्लेयर, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक .FLV प्लेयर है, FLV फाइलों को प्ले कर सकता है। नंबर वन क्विक हील एक तो एंटीवायरस है, VLC मीडिया प्लेयर है, तो और नंबर तीन अडोब प्लेयर है, नंबर चार विनैम्प। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू VLC। VLC जो है FLV फाइलों को प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर आठ, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर वन बेसिक, नंबर दो फॉर्ट्रेन, नंबर तीन सी, नंबर चार C++। ऑप्शन नंबर फोर है इसका सही C++। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए वैलिड ऑडियो फाइल फॉर्मेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन नंबर वन .FLV, ऑप्शन नंबर टू .MP4, ऑप्शन नंबर थ्री .WAV, ऑप्शन नंबर फोर .MP3। इसका ऑप्शन नंबर वन है .FLV एक वैलिड ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर दस, विच ऑफ दीज केबल्स इज स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, इनमें से कौन सी सबसे डाटा ट्रांसफर के संदर्भ में सबसे धीमी गति केबल कौन सी है। ऑप्शन नंबर वन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर दो ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन नंबर थ्री थिननेट कॉक्सियल केबल, ऑप्शन नंबर फोर थिकनेट कॉक्सियल केबल। इसका ऑप्शन नंबर टू है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका सही है सबसे धीमी गति केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल। इन सब की स्पीड भी एक वीडियो में हमने बना रखा, उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं किस केबल की स्पीड कितनी तक का होती है।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज नेटवर्क्स इज यूजली द स्लोएस्ट, इनमें से कौन सा नेटवर्क सबसे धीमी गति का है। नंबर 1 लैन, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नंबर 2 मैन, मैन की होती है मेन एरिया नेटवर्क। नंबर 3 ऑल ऑफ द नेटवर्क्स आर इक्वली फास्ट। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, वैन, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जो है सबसे धीमी गति का है। क्वेश्चन नंबर 12, इन एमएस वर्ड 2007 द शॉर्टकट की ऑफ डिक्रीज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने का एमएस वर्ड 2007 में कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन, शिफ्ट प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन या कंट्रोल प्लस माइनस। इसका ऑप्शन नंबर 3 है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस देन, और ग्रेटर में क्या करेंगे वो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसकी जगह पे सिर्फ ग्रेटर का साइन आ जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन का इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, डॉट गिफ इमेज फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स कलर, डॉट गिफ इमेज फाइल कितने कलर्स को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 256, ऑप्शन नंबर 2 7000, ऑप्शन नंबर 3 अप टू 8 मिलियन, ऑप्शन नंबर 4 16 मिलियन। इसका सही आंसर है 256 कलर्स को डॉट गिफ सपोर्ट करता है। गिफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, डॉट गिफ, गिफ की फुल फॉर्म होगी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 14, डॉट बी एम पी ए वेल नन इमेज फाइल फॉर्मेट स्टैंड फॉर, डॉट बी एम पी की क्या फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर वन बिट मैप इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर 2 बिटुमिनियस इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर 2 बिलियन मेगा पिक्सल, ऑप्शन नंबर 4 बिट्स मेगा पिक्सल। इसका सही आंसर है बिट मैप इमेज फाइल, डॉट बी एम पी फुल फॉर्म होती है बिट मैप इमेज फाइल। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज ए एंटीवायरस यूटिलिटी कंप्रेशन टूल या डेस्कटॉप पब्लिशर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज ए यूटिलिटी होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बिट्स पर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ, बिट्स पर सेकेंड किसकी यूनिट है, वेब लेंथ की है या डाटा ट्रांसफर रेट की है, स्टोरेज कैपेसिटी की है या नंबर 4 पे है फ्रिक्वेंसी। इसका सही आंसर है डाटा ट्रांसफर रेट, बिट्स पर सेकेंड किसकी यूनिट है, डाटा ट्रांसफर रेट की। क्वेश्चन नंबर 17, SSL शॉर्ट फॉर ए मेथड ऑफ कोडिंग विच इनेबल्स प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, मतलब SSL की शॉर्टकट फुल फॉर्म क्या है, SSL की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन थ्रू। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से बनता है, किसी टेक्सचुअल मैटर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 19, IMPS स्टैंड फॉर, IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, IMPS की होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इन ऑर्डर टू मेक द सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड इन, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस पावर पॉइंट वी प्रेस, पावर सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का। ऑप्शन नंबर 4 है इसका कंट्रोल प्लस बी, और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अर्पानेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अर्पानेट कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1969 में। ऑप्शन नंबर 3 है 1969 में अर्पानेट की स्थापना 1969 में होती। क्वेश्चन नंबर 22, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है या कंट्रोल डिवाइस है। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 23, ए डीवीडी हैविंग वन स्लाइड एंड वन लेयर कैन यूजली होल्ड डाटा, एक डीवीडी एक स्लाइड होती है एक लेयर होती है, कितने जीबी तक डाटा स्टोर कर सकती है वो डीवीडी। ऑप्शन नंबर 1 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है, डीवीडी की जो कैसेट होती है 4.7 GB तक उसकी कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस इज रुपीज़, आरटीजीएस के थ्रू कितने रुपए तक मिनिमम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
कम से कम कितना है, 50 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है या 2 लाख? इसका ऑप्शन नंबर 4 है, 2 लाख तक आरटीजीएस के थ्रू, 2 लाख तक का आरटीजीएस हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वी प्रेस टू ओपन ए न्यू विंडो इन गूगल क्रोम। नई विंडो खोलने के लिए गूगल क्रोम में किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एन का। नया विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन होगा, और नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करते हैं। नया टैब खोलने के लिए, हिस्ट्री के लिए कंट्रोल प्लस एच, और कंट्रोल प्लस जे जे का यूज़ होता है डाउनलोड्स के लिए। कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो डाउनलोड खुल जाएगा, कंट्रोल एस से हिस्ट्री आ जाएगी, कंट्रोल एन से नया टैब खुलेगा, कंट्रोल टी से नया टैब खुलेगा, कंट्रोल एन से नया विंडो खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AGP? AGP की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एनी ग्लोबल पोर्ट, एग्रीगेट गोटो पोर्ट, गोटो पोर्ट या ऑल ग्राफिक्स पोर्ट। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स। AGP की फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सम ऑफ सेलेक्टेड सेल्स इन MS Excel? शॉर्टकट की क्या है जोड़ करने के लिए, शो करने के लिए क्या है क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सम ऑफ सेलेक्टेड सेल्स इन MS Excel? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑल्ट प्लस इक्वल का यूज करते हैं। ऑल्ट प्लस इक्वल्स करते हैं डिस्प्ले सम को डिस्प्ले करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, 2 की पावर 10 kilobytes आर इक्विवेलेंट। 2 की पावर 10 kilobytes कितने इक्विवेलेंट की होगी? 1 megabyte के। 2 की पावर 10 kilobytes कितना होगा? 1 megabyte। 1 megabyte में कितने के बी होते हैं? 1024 KB। 1024 KB होता है 1 megabyte में। क्वेश्चन नंबर 21, 2 की पावर 10 megabytes आर इक्विवेलेंट। 2 की पावर 10 megabyte में कितने GB बन जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 GB। 1 GB में कितने MB होता है? 1024 MB इक्वल टू 1 GB बन जाएगा। 1 GB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB।